सातवीं किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक। ये ड्रिंक ऐसी है जो कि हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं उन सबसे छुटकारा दिलाती है, जैसे डायबिटीज़, बीपी, वेट लॉस, पीसीओडी, थायराइड एंड फैटी लीवर, ये सारी बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाती है। ये ड्रिंक बहुत ही स्पेशल है और ये हम आसानी से घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आपने सुना होगा कि हम जौ का यूज़ खाने में करते हैं, बट आज हम बनाएंगे जौ की स्पेशल ड्रिंक जो कि बहुत ही हेल्दी है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं तो इसमें फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन B6, विटामिन ए पाया जाता है। जौ की ड्रिंक पीने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है और बीपी को भी हमें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब हम इस ड्रिंक को बनाना स्टार्ट करते हैं। जौ की ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे जौ। ये मैंने 1/4 कप जौ लिए हैं। इनको मैंने 2 आवर्स के लिए सोक करके रखा हुआ था। और ये है चाट मसाला, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। ये है सफ़ेद नमक, जो नॉर्मल जो नमक होता है, ये मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। और ये है काला नमक, ये मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। ये मैंने कच्ची कैरी ली है और कुछ मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें हम वाटर डाल के और उसमें हम जौ डालेंगे और जौ को हम बॉईल करेंगे। और अब हम इसमें जौ डाल लेंगे और इसी में हम जो मैंने जो अदरक ली थी वो इसमें हम डाल लेंगे और इसको ढककर हम लो फ्लेम पे इसको हम बॉईल करेंगे। तो जब तक ये हमारा जौ फूल नहीं जाता अच्छे से, तब तक हम इसको बॉईल करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हमारा जौ उबलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमारा जो वाटर था जौ का, वो हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम स्ट्रेनर की हेल्प से एक अलग बॉल में हम इस वाटर को सारा निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे जौ से। तो ये है हमारा वाटर जौ का, तो इससे हम अभी ड्रिंक बनाएंगे और इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको हम ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारा जो ड्रिंक है वो ठंडा हो रहा है, तब तक हम ये कच्ची कैरी को अच्छे से कट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम पील कर लेंगे, फिर इसको स्मॉल पीसेस में कट करके हम एक ग्राइंडर में इसको इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब हम एक ग्राइंडर लेंगे, उसमें हम जो पुदीने की पत्तियाँ थी वो इसमें हम डालेंगे और जो कच्ची कैरी थी इसको हम डाल के और इनको में इसमें थोड़ा सा हम वाटर डाल के इसका हम पेस्ट रेडी कर लेंगे एक। तो देखिए अब हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। तो अब हमारा ड्रिंक भी जो गर्म था वो ठंडा हो गया है। तो अब हम ड्रिंक बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जो लेमन है इसको हम जो ग्लास है उसमें ऊपर साइड इसको लगा लेंगे और फिर हम जो मैंने रेड चिली पाउडर रखा हुआ है इसमें हम इस ग्लास को डिप करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा ड्रिंक बनेगा तो वो हमारा दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये ऑप्शनल है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ऐसे करने से आपका ड्रिंक, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आते हैं उनको सर्व करना है तो ऐसे करने से अच्छा लगेगा आपका ड्रिंक। तो अब हम इसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे और फिर हम इसमें वाटर डालेंगे, जो मैंने वाटर रेडी किया था, जो जौ का वाटर था उसको हम डालेंगे।
और ये मैंने चिया सीड लिए थे, इनको भी मैंने सोख करके रखा था। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर चिया सीड तो आपको पता ही है कितने हेल्दी होते हैं, तो अगर आप डालेंगे तो आपकी ड्रिंक और भी हेल्दी हो जाएगी। तो मैंने इसमें चिया सीड 2 स्पून डाला है, ये मैंने चाट मसाला डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने काला नमक है, अब ये डालेंगे। और ये है सॉल्ट, ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने डालिएगा। और ये मैंने जो पेस्ट रेडी किया था वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इससे डालने से हमारा जो ड्रिंक है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जौ का स्पेशल समर ड्रिंक रेडी है। तो प्लीज़ इसको आप घर पे ज़रूर बनाना, ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। तो आज की इस समर स्पेशल ड्रिंक आपको कैसी लगी? अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड एंड फैमिली साइज को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड एंड टेक केयर।